हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय एंड परफेक्शन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ टॉप 5 हिडन ट्रिक्स ऑन MI फोन्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे पास एक MI रेडमी नोट 4G है। तो इसमें पहला ट्रिक मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जैसे आप अपना लॉक बटन प्रेस करते हैं और होम बटन प्रेस किए रखेंगे, होम बटन जैसे आप प्रेस किए रखें तो टॉर्च जल जाएगा। देख सकते हैं टॉर्च जल जा रहा है। ये था मेरा पहला ट्रिक। और दूसरा ट्रिक है, आप सेटिंग्स में जाइए, उसमें जाने के बाद एडिशनल सेटिंग्स में जाइएगा। एडिशनल सेटिंग्स में जाने के बाद शॉर्टकट मेनू या क्विक बल करके ऑप्शन आएगा, उसको प्रेस कीजिएगा और वहां से आप टर्न ऑन शॉर्टकट यस कर दीजिएगा। मैंने पहले से ही ऑन कर दिया हूं। इससे क्या होगा, आप यहां पे आपका एक शॉर्टकट मेनू अपेयर हो जाएगा। इससे आप अपना फ़ोन को जहाँ से यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप अपना बैग जा सकते हैं, होम बटन जा सकते हैं, लॉक बटन, लॉक अपना फ़ोन को यहीं से कर सकते हैं। लॉक बटन आप कम यूज़ कर पाएंगे, जैसे जब ज़्यादातर लॉक बटन फॉर्चून का ख़राब हो जाता है, इससे आपका लॉक बटन बचा रहेगा। जैसे कि मैं इससे लॉक कर सकता हूँ, फ़ोन देख रहे हैं, फिर मैं लॉक खोला, यहाँ से अपना फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। ये एक अच्छा तरीका है, इससे आपका फ़ोन लंबा समय तक चलेगा। ये था मेरा दूसरा ट्रिक। तीसरा ट्रिक ये है, आप फिर सेटिंग्स में जाइएगा, उसमें जाने का एडिशनल सेटिंग्स आएगा, उसमें वन हैंड मोड में जाइएगा और उसको ऑन कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, आप अपना फ़ोन को वन हैंड मोड, मतलब जैसे कि ये बहुत बड़ा स्क्रीन है, यहाँ हाथ पहुँचने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो फ़ोन को आप छोटा में यूज़ कर सकते हैं। जैसे होम बटन और लेफ़्ट में जाएंगे, इसे ऐसे करके आप देखिए जा सकेंगे, तो यहाँ आ जाएगा एंटर वन मोड ऑन, यहाँ से यस कर दीजिएगा। इसको यस कर देंगे तो आपका ऐसे करके फ़ोन आप यूज़, यहाँ देखिए छोटा में आप अपना फ़ोन नॉर्मली सब यूज़ कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, खाली इसका साइज़ छोटा हो जाएगा। ये आप इस तरफ भी आप ले जा सकते हैं। इसको जस्ट आप होम बटन को और ऐसे करके कर देंगे, ये चला जाएगा। अब आपको नॉर्मल मोड में लाना है तो जस्ट इसको उल्टी रिवर्स कर दीजिएगा, इसको ऐसे रिवर्स कर देंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। ये था मेरा तीसरा ट्रिक। चौथा ट्रिक है, आप अपना फ़ोन का ऐप्स को एक बार में बहुत सारा ऐप्स को मूव कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, मैं अभी बहुत सारा एप्लीकेशन को मैं मूव करने जा रहा हूँ, तो आप क्या कीजिएगा, पहले इसको टच किए रखिएगा, मूव ऐप में क्लिक कीजिएगा। मैं इतना सारा एप्लीकेशन एक बार मूव करूँगा, मैं देखिए कितना सारा, बहुत सारा एप्लीकेशन इसमें एक बार में सेलेक्ट किया जा सकता है। और मुझे मान लीजिए यहाँ पर मूव करना है, मैं मूव कर रहा हूँ, इधर मैं मूव कर रहा हूँ, देख सकते हैं मैं एक बार में मूव कर सकता हूँ। इस सुविधाओं का ये MI फ़ोन में बहुत अच्छा सिस्टम दिया है। इसके बाद आपका पांचवा ट्रिक है कि आप सेटिंग्स में जाइए, अगर आपका लॉक बटन ख़राब हो गया है या फिर आप ये सिस्टम को ऑन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका फ़ोन लंबा समय तक चलेगा। मैं कहने का मतलब है आपका लॉक स्क्रीन लंबा समय तक चलेगा और आपका कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। आपको जस्ट क्या करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं सेटिंग्स में जाइए, उसमें जाने के बाद एडिशनल सेटिंग्स में जाइएगा। एडिशनल सेटिंग्स में जाने के बाद बटन में जाइएगा और वहाँ पे बैकअप विद वॉल्यूम बटन को यस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, आप जब अपना फ़ोन लॉक करेंगे, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लॉक कर दिया, मेरा लॉक बटन मान लीजिए ख़राब हो गया, मैं इसको छोड़ के मैं वॉल्यूम बटन से भी स्क्रीन को ऑन कर सकता हूँ। जैसे मैं अभी वॉल्यूम बटन से मैं स्क्रीन को ऑन किया हूँ, मैं अपना फ़ोन यूज़ किया, अब मैं फिर अपना फ़ोन लॉक कर लिया यहाँ से, और मैं वॉल्यूम अप बटन से भी ऑन कर सकता हूँ। देख सकते हैं, अगर इसको आप करने से क्या होगा कि आपका लॉक बटन लंबे समय तक चलेगा। सो फ्रेंड्स, ये मेरा 5 हिडन ट्रिक्स था। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही और मैं वीडियो दोबारा नेक्स्ट अपलोड करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।